गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है दूसरा दिन और आज दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि होटल से हम लोग वहाँ से मुंह हाथ धो करके एकदम फ्रेश होकर के निकले एंड नहाने के लिए सरजू नदी में आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ से आपको कनेक्ट करते हैं डे टू के ब्लॉग में। सो बस आप लोग लास्ट तक ये रहा सरजू नदी एंड अब यहाँ पे थोड़ा देर हम लोग नहाएंगे एंड नहाने के बाद में आपको दिखाते हैं। एंड ये है घाट के पास का व्यू। इसमें तो भाई गहरा ही नहीं है पूरा, देख सकते हैं पैर एकदम इतना इतना पानी है यानी काफ़ी, देख सकते हैं कितना अंदर आ चुके हैं। धारा के विपरीत में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कर वाला देखा। देखना तुमसे हम अच्छा बनाएंगे। सो ये वही नदी है जिसमें राम जी अपनी समाधि लिए थे एंड चलते चलते ही समाधि और इसी में दुनिया की कलयुग को कलयुग वाले युग से घबरा करके श्री राम ने अपनी समाधि ले ली थी इसी नदी में, जल समाधि। एंड अगर आप ये रामायण में देखना चाहते हैं तो लव कुश कांड के सबसे लास्ट पार्ट में आप जा करके देख सकते हैं कि कैसे वो समाधि लिए थे। तो ऐसा माना जाता है कि इस नदी में नहाने से आपका युगों युगों का जो पाप होता है आपकी और आपके समस्त पारिवारिक जो भी कष्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जब से योगी जी आए हैं थोड़ा सा और ज़्यादा लालसा हमारी हो गई है क्योंकि उनके आते ही राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया है। सो यहाँ काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को आकर के, कल भी यहाँ पे आकर नहाए थे, कल उस जगह पर नहाए थे, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो घाट लगा हुआ है वहीं पे कल नहाए थे और आज ये इधर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इधर है, वहाँ तो मतलब ज़्यादा गहराई नहीं थी तो इधर थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ से गहराई है और यहाँ धारा भी बह रही है। सो यहीं पे हम लोग थोड़ी देर नहाएंगे एंड फिर यहाँ से निकल करके आपसे कनेक्ट होते हैं एंड दिखाते हैं कि आज डे टू में क्या क्या होने वाला है। भाई आप लोग को यहाँ पे आ करके कैसा लग रहा है? कहाँ से आप लोग आए हैं? अच्छा अयोध्या से ही है। तो यहाँ के बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? क्या बताएं बताइए यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में क्या? जैसे मैं तो पहले सुना हूँ कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था लेकिन जब से योगी जी आए काफी ज्यादा प्रगति है, विकास बहुत हुआ है। अभी यहाँ पर कल पेपर में आया था अखबार में कि यहाँ पर टेंट सिटी बनने वाला, प्रयागराज के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेंट सिटी। अच्छा, जमीन देखा जा रहा है अभी बनेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक स्टीमर भी उतरेगा जो है बाहर से आ रहा है। अच्छा, विकास बहुत तेज हो रहा है यहाँ पर जी। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे विकास काफी तेजी से हो रहा है एंड आपको बनारस का ब्लॉग में भी दिखाया हूँ कि वहाँ भी टेंट सिटी लग चुका है एंड वहाँ पे बोट में भी वो आया है। कौन सा चैनल है भैया आपका? सो घाट के पास में ये एक यहाँ पे बोटिंग है। सो हम लोग बोटिंग करने की जा रहे हैं एंड ये देखिए महीना पहला पर ना पहले चलान हो गया। तो हम लोग बोट में यहाँ से बैठ चुके हैं एंड हम लोग की बोट स्टार्ट हो गई है। हम लोग पूरा यहाँ पे जो भी है घाट घूमने की कोशिश करेंगे एंड घाट घूमने के बाद में आपको देखिए ये हमारा बोट का व्यू काफ़ी अच्छा सा है, एकदम प्यारा सा लग रहा है एंड पापा हम लोग धूप में आ गए, धूप में हम लोग आ गए। छोटी सी नन्ही सी प्यारी कोई परी। उसके बगल में तुलसी
घाट। अच्छा जहाँ पर हम नहा रहे थे वो लक्ष्मण घाट था। सो ये है राम घाट एंड यहाँ पे सामने आरती होती है। ये अच्छा यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। तो धूप काफी ज्यादा है एंड हम लोग यहाँ से नहा करके पूजा पाठ करके अब यहाँ से निकल रहे हैं हनुमानगढ़ी एंड वहाँ पे फिर आपको कनेक्ट करते हैं। काफी ज्यादा धूप है, अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है तो जाता हूँ यहाँ पे कुछ खाऊंगा। एंड देख सकते हैं पापा मम्मी का भी लैगेज मेरे पास ही है पूरा। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। सो अभी हम लोग वहाँ से हनुमानगढ़ी आ गए हैं एंड ये हनुमानगढ़ी का फर्स्ट व्यू। हनुमानगढ़ी के अंदर जा रहे हैं। देख सकते हैं ये लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं एंड ये रही हनुमानगढ़ी। अभी आ गए हम लोग राजा दशरथ के महल के पास एंड ये देख सकते हैं दशरथ महल एंड ये जो सामने खूबसूरत सा महल दिख रहा है यही है दशरथ जी का महल। तो ये बड़ा स्थान के पास में है एंड यहाँ से आप देखिए काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है एकदम। पहुंच चुके हैं दशरथ महल के पास एंड काफ़ी ज़्यादा तेज धूप है जिस कारण फेस को थोड़ा कवर कर रखे हैं एंड ये यहाँ से इन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। पैर बहुत जल रहा है भाई। सुस्वागत है। ये देखिए तो अभी हम लोग राम मंदिर के पास में आए हैं एंड राम मंदिर का वो जो गेट है एंट्री का तो वो 2 बजे खुलता है। सो अभी पास में यहाँ पे आमवा राम मंदिर करके है तो यहाँ पे हम लोग भंडारा के लिए आए हुए हैं, भंडारा में खाना खाने के लिए। एंड यहाँ पे अभी मुझे ये मिला फॉर्म भरने के लिए एंड इस पर अभी एक चीज़ हम देखें कि पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर द्वारा संचालित यानी कि SP कुणाल का जो मंदिर है वो पटना में वही के द्वारा यहाँ संचालित किया गया है इसका फूड का। तो काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके। सो हम लोग 3 आदमी अपना जल्द से इस पे नाम भरते हैं एंड भूख तो लगी है तो खाते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ का कैसा क्या सिस्टम है। देख सकते हैं यहाँ पे भंडारा में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं एंड पूरा एकदम ठीक तरीके से। भीड़ इतना ज़्यादा था कि मैं एंट्री का वीडियो नहीं बना पाया, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये सब कुछ पटना महावीर मंदिर के द्वारा ही संचालित हुआ है एंड हमेशा यहाँ पे होते रहता है। सब खा करके निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हम लोग फ्रेश होकर के रूम पर से आ चुके हैं राम मंदिर के गेट के पास। यहाँ ये रहा राम मंदिर गेट एंड यहाँ पे पर्स रखना एंड यहाँ पर मोबाइल या कुछ भी सामान ले जा। तो अभी आ गए हैं कनक भवन के पास में एंड ये काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। एंड ये बता दें कि ये जो कनक भवन ये जो है ये माता के कई ने श्री राम जी को जब सीता जी का विवाह होकर आया था तो उस टाइम में सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में ये कनक भवन ही उनको गिफ्ट दिया गया था। सो ये वही है और इसी में प्रभु श्री राम और माता सीता रहा करती थी। या चप्पल हो इसी है। लाइटिंग काफ़ी अच्छा किया हुआ है।
काफी प्यारा सा लग रहा है। दिस इज द व्यू ऑफ कनक भवन। सीताराम सीताराम सीताराम। देखिए जो मैं बोल रहा था वो यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। तो यही कनक महल में अभी एक अंकल मिले, उनसे हमारी बात हुई, ये यहाँ के बारे में हमें कुछ बताएं, कुछ रोचक जानकारी। ओरछा में जो है जी राजा रामचंद्र जी राजा है वो जी, यहाँ पे भगवान है वहाँ वहाँ राजा है जी। पहले ज़माने में यशोदा माता जी जो हैं उनको राजा के रूप में देखना चाहती थी जी। तो वो रामचंद्र जी बोले इस बार तो लोगों ने हमको भगवान बना लिया है जी, हम अबकी जब जन्म लेंगे तो हम क्या नाम है राजा बन गए जी। तो इसी तरह से वो जो मीते अपनी वहाँ की महारानी थी जी, क्या नाम है ओरछा की जी, तो उन्हें रामचंद्र जी से बहुत लगाव था, अपने पति से कहा। तो एक मूर्ति निकली थी सरयू जी से। अच्छा। तो वो रामचंद्र जी की मूर्ति वो उन्होंने उसको कैरी कराया वहाँ ओरछा में जो है अपने राजमहल में जी। उनको स्थापित कर दिया जी। वहाँ स्थापित करने के बाद जो है उनके बगल में ही मंदिर बन रहा था। अच्छा। उनके लिए मंदिर बनवाया जी। राजा जी के लिए जी। तो वो जो मंदिर बन रहा था, मंदिर जैसे पूरा होने वाला था, तो उन्होंने क्या किया कि बोले हम यहाँ से मतलब उठे ही नहीं। अच्छा। वो उसी महल में रहे तब। अच्छा। से उनका वो दरबार वहाँ लगा। अच्छा। इसलिए उनको वहाँ राजा रामचंद्र। तो ऐसा कहना है कि मतलब कि हनुमान जी को उनके लिए रखा गया कि भाई आप हनुमान जी वहाँ से रोज रात में इनको यहाँ छोड़ के जाते हैं। अच्छा। और सुबह उनको ले के जाते हैं, ये ड्यूटी उनकी रामचंद्र जी की लाने और ले जाने की उनकी लगाई है। अच्छा। तो जैसे वहाँ आरती होती है दर्द बात है पताल हनुमान जी हैं ओरछा में जी। तो वो आरती वहाँ से जाकर के वहाँ चली जाती है, जैसे कि आरती के रूप में कि वो वहाँ चला गया जी। और वहाँ से की आरती वो यहाँ मतलब यहाँ आरती होती थी, तो मतलब वो वहाँ से आरती यहाँ मतलब यहाँ पहुँच वहाँ आरती पहुँच गई हनुमान जी के पास, फिर यहाँ आरती होती है 10 बजे। राजा जी का जो मंदिर है हनुमान वो रामचंद्र जी का मंदिर जी। थैंक यू। राम दरबार। थैंक यू। राम दरबार में दिन में नहीं रहते, इसीलिए दिन में सूरापन रहता है। यहाँ जब भी आपको देखेंगे तो रात में राजा जी रामचंद्र जी के ऊपर चमक आती है, क्योंकि रात में वो यहाँ होते हैं और दिन में वो उछा। थ्री और आज दूसरा दिन है अयोध्या का हम लोग का, एंड अभी रूम से फ्रेश होकर के निकले हैं एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं उस पहाड़ के पास जिसे राजा जनक को महाराज दशरथ ने दिया था गिफ्ट में, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं एंड उसके बाद आपको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम पूरा तेज़ी से चल रहा है एंड यहाँ का लक्ष्य है कि 1.5 साल के अंदर पूरे अयोध्या को एकदम कंप्लीट कर लेना है। सो उसी मिशन के ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है पूरा तेज़ी से। सो हम लोग यहाँ से टोटो ले करके मणि पर्वत के पास जा रहे हैं एंड फिर वहाँ पर आपसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम मणि पर्वत के पास पहुँच चुके हैं
एंड ये रहा फ्रंट व्यू उसका मणि, और इसके ऊपर अभी हम आपको चल के दिखाते हैं ये, तो ये मणि पर्वत। एंड ये वही पर्वत है जिसे महाराज दशरथ ने अपनी बेटी के बहू के पिता महाराज जनक को भेंट के रूप में दिया था। यहीं पे वो आते थे तो अयोध्या की नगरी में नया रह करके यहीं पे वो रहा करते थे। एंड ये काफ़ी ऊंचाई पर तो नहीं है बट जय श्री राम। देख के तो आएंगे अकेले अकेले। इधर तो बैरिकेटिंग नहीं है बट थोड़े ये देखिए पुराने जमाने का ये रूम, रूम में ताले मारे हुए हैं। एंड सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ सेकंड फ्लोर। जय श्री तो ये सब पुराने जमाने के ही हैं, इसको थोड़ा सा रिफर्बिश किया हुआ है। एंड आप यहाँ के ईंटों को साइज को देख करके पता कर सकते हैं कि ये लगता है कि मतलब लगभग 100 साल के अंदर ये इसको रिफर्बिश किया हुआ है, क्योंकि ईंटा का जो साइज है ये काफ़ी बड़ा है। एंड पुराने जो भी यहाँ के किले हैं तो उस किलो के आप साइज देख सकते हैं, काफ़ी पतले ईंटे की साइज होती है, जैसे कि ये है तो ऐसे ही यहाँ के लोकल सारे पुराने जमाने के ईंटे बनते थे, लेकिन ये जो है इसको थोड़ा सा फिनिशिंग किया हुआ है। एंड ये रहा सबसे ऊपर टॉप मोस्ट का व्यू। सो आपको यहाँ पे आपको मैं ऊपर से नीचे की व्यू को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए हम लोग आए थे तो वहीं पे हम लोग का टोटो वाला छोड़ दिया, एंड वहाँ से ऐसे जा करके फिर ऐसे होते हुए हम लोग ऊपर आए हैं। एंड ये रहा, एंड लोग टोटो वाला हमें बता रहे थे कि यहाँ से आप पूरे अयोध्या को देख सकते हैं, तो वाकई हम यहाँ से देख भी रहे हैं। आप देख यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख सकते हैं विंडो के अंदर से क्या दिख रहा है, जो कि लोग लुभावुक हो रहे हैं देखने के। ओ तो यहाँ पे पालकी में बैठे हैं श्री राम, मैया सीता और हनुमान जी हैं। ये नया वाला अयोध्या जंक्शन जो कि अभी बन रहा है। यहाँ पूरा अयोध्या घूम लिए, एंड पूरा अयोध्या कैसे घूमना है, क्या बजट होनी चाहिए, उसके लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम का आईडी चेक कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे मैं हर जगह का वीडियो डालता हूँ कि कैसे क्या बजट में आप कैसे घूम सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे इंस्टा आईडी को चेकआउट करिए। ये राम रहे इंस्टा आईडी। तो अभी ट्रेन आने में थोड़ी देर के समय है, तो बगल में गुजराती आश्रम है, तो वही हम लोग जाते हैं, जा सकते हैं, वेट करते हैं। तो हम लोग पूरा अयोध्या घूम लिए, एंड पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में करके ये वीडियो है,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड आपको अब कौन सी ब्लॉग कहाँ की ब्लॉग देखनी है वो मुझे कमेंट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नाम से अकाउंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।